नमस्कार, मैं अमराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबों ने मेरा प्रीवियस दो वीडियो देखा होगा। पहला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एलएलबी में जितने कोर्स लॉ फैकल्टी में जितने कोर्स चलाए जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया था, उसका कितने फी है, क्या स्ट्रक्चर्स है, कटअप्स के बारे में, वेरियस इंपॉर्टेंट चीज को मैंने उसमें डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो जो आपने मेरा देखा होगा उसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में मैंने बताया था। देन आफ्टर मैंने लीगल मैगजीन्स का डेमो क्लास दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके इसको दे सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में कुछ चीज मैं नहीं बता पाया था आपको, या एक दो चीज मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए मैं माफी भी आपसे चाहता हूँ। उसमें मैंने आपको आपको मैंने बताया था कि LLB एंड BLLB की कोर्स चलती है। इसके अलावा हमारे लॉ फैकल्टी में LLM के तीन प्रकार के कोर्स चलते हैं, LLM 2 ईयर जनरल, LLM 2 ईयर HRD और LLM 1 ईयर जनरल। इसके अलावा हमारे यहाँ 6 डिप्लोमा के कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक। और एक चीज मैंने आपको बताने से मैं उसमें भूल गया था कि जो LLB में पेड सीट है उसका कट ऑफ 244 गया था इस बार। और इसके अलावा BLLB कोर्स में मैंने 69 सीट बताया था जो कि एक्चुअल में 71 सीटें BLLB में है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना आपको भूल गया था कि LLB कोर्स में स्पोर्ट कोटा की भी कुछ सीटें रखी गई है, अप्रोक्स 10 सीट है, मैं क्लियर नहीं हूं बट इतना है कि अप्रोक्स 10 सीट के करीब है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ फैकल्टी में जो LLB कोर्स है उसके लिए जो बच्चे BTEC किए हुए हैं या BE किए हुए हैं, BCA किए हुए हैं, BBA में हो या BSc IT है, वो भी इलिजिबल्स है LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 1 दिसंबर से हमारे जो जितने भी कोर्स BHU वर्ड्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, BA आर्ट्स, BA सोशल साइंस, BSc अग्री, BSc मैथ्स, BSc बायोलॉजी, नर्सिंग, उसके लिए तीसरा बैच का रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। देन आफ्टर 11 दिसंबर से उसकी क्लासेस भी रन कर दी जाएगी। और LLB एंड BLLB कोर्स जिसके लिए आप बहुत दिन से डिमांड्स कर रहे थे कि सर LLB एंड BLLB का कोर्स स्टार्ट किया जाए, तो 1 दिसंबर से उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देन आफ्टर 11 दिसंबर से उसकी क्लास भी शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसको आपको पढ़ना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था, फिर से मैं एक बार आपको बता देना चाहूंगा कि कौन कौन सा आपको बुक लेना है, परचेज करना है और कैसे पढ़ाई करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि LLB में लीगल एंड पॉलिटी से क्वेश्चन जो है इस बार 30 क्वेश्चन लीगल से पूछे गए हैं और 40 क्वेश्चन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछे गए हैं, ठीक। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स SSC पैटर्न्स के आ रहे थे, अब वो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका था। फिर मैंने बताया था कि BA LLB जो कोर्स है इसमें भी जो क्वेश्चन जो है वो 60-70 लीगल एंड पॉलिटी से पूछे जाते हैं। BLLB में क्वेश्चन जो है फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स पे ज्यादा आते हैं और LLB में क्वेश्चन जो है फैक्ट प्रिंसिपल से कम आते हैं। इसमें लीगल पॉइंट्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शंस उठा के पूछे जाते हैं, डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, जिसको मैंने बताया था। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी है। देखिए, पहली बात की जो बच्चे LLB देना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप BHU LLB का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इलाहाबाद, लखनऊ, DU कुछ भी नहीं है। BHU LLB मैं कहूं तो ऑल इंडिया में सबसे टफ LLB का एंट्रेंस BHU करवाती है। तो चूंकि आप नंबर ऑफ सीट्स कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो देखिए इसके लिए किताब आपको कौन सा परचेज करना है। तो आपको यूनिवर्सल्स का एक गाइड खरीदना है फॉर क्लैट एंड LLB नाम से, उसको आप परचेज करना है। वो स्टूडेंट जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो यूनिवर्सल्स का किताब जरूर खरीद ले। ये किताब इंग्लिश मीडियम्स में आती है, किताब का कीमत करीब 700 रुपया का होगा। तो हिंदी मीडियम्स में कोई अच्छी गाइड्स नहीं आती, इसलिए मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमसे पढ़े या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप यूनिवर्सल से गाइड करके सबसे अच्छी किताब है। इसके अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर LLB का 2014 से 19 तक जो है वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, 2019 का अवेलेबल नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आप डाउनलोड कर ले या कहीं से भी आप अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बच्चे कोर्स इनरोल हुए हैं उनको मैंने और भी सजेशन दिया है कि आप जो है इंडियन पेनल कोड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरेट जरूर अपने साथ ले लें। अगर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है वो बायलिंगुअल बैरेट खरीद ले, बायलिंगुअल मींस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी होगी, ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पेनल कोड दोनों का बैरेट आपके साथ जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो BLLB का स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं BHU का, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशली कि उनके लिए यूनिवर्सल तो मैंडेटरी है, उसको तो यूनिवर्सल किसी भी हाल में रखना है, उनके लिए यूनिवर्सल बाइबिल है, तो यूनिवर्सल का किताब जरूर खरीद ले वो। इसके अलावा वो जो है गाइड फॉर क्लैट एंड LLB AP भटवाज की किताब, बहुत अच्छी किताब आती है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लीगल के प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, टार्ट्स दिए हुए हैं, IPC दिए हुए हैं, इसके अलावा मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं।
तो वो किताब जरूर खरीद ले, वो बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसको जरूर परचेज कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में दोनों किताब आती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नेट्स पर अवेलेबल मिल जाएंगे या तो बाहर आपको भी मिल जाएंगे, तो या तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो जरूर आप रख ले। 2014 से लेकर 2018 तक अभी नेट पर अवेलेबल है, 2019 के अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो बेयर अपने साथ जरूर रखें, जो बच्चे BLLB का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेयर रखना जरूरी है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो चाहे बाहर का स्टूडेंट हो। तो इंडियन पैनल कोर्स का बेयर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो बाइलिंगुअल कर दें, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा उसमें, और जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं उसको सिर्फ इंग्लिश में बेयर की जरूरत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पैनल कोर्स की बेयर खरीदना है। मैंने आपको बताया था कि मेनली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, चाहे वो BHU चाहे DU हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मेनली लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट और IPC से पूछे जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के और IPC के बेयर होते हैं जो कि क्वालिफाइड लॉ है, टार्स के बेरेट्स नहीं होते हैं, तो उसके बेरेट्स मिलता ही नहीं है। तो और मैं बात करूंगा कि मेनली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट, लॉ फॉर टार्स और क्रिमिनल लॉ से पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है सीआरपीसी से पूछा जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से पूछा जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड से पूछा जाता है, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछा जाता है, TPA से पूछा जाता है, हिंदू लॉ से पूछा जाता है। तो इससे क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी पूछा जाता है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो 80-90% है वो लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट, लॉ फॉर टार्स एंड इंडियन पैनल कोड से पूछा जाता है। अच्छा, जो बच्चे क्लैट्स भी देना चाह रहे हैं या आईलेट देना चाह रहे हैं, BHU BLLB, ऐसा होता है कि बच्चे BHU BLLB देते हैं, साथ ही साथ में वो क्लैट देना चाहते हैं, वो आईलेट्स भी देना चाहते हैं, तो हम उनका भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नोट फोर की मैंने BHU LLB and BLLB की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बल्कि आप क्लैट भी दे आईलेट्स भी दे उनके लिए भी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो उनको अलग से कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो चाहे और भी अगर ज्यादा डीप में पढ़ना चाहे, उनके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो वो IPC PSA पिल्लई की किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अवतार सिंह की किताब खरीद सकते हैं, फिर टॉट का आर के बांगिया किताब वो खरीद सकते हैं। मंडोटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि ज्यादा नॉलेज गेन करें, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप जब सेमेस्टर में जाएंगे कहीं भी LLU में जाए, BHU में जाए, DU में जाए, जहां भी जाए, तो आपको ये सब किताबों की जरूरत पड़ेगी। तो ये रही आपके लिए मटेरियल्स, बुक, कौन कौन सी किताबें खरीदनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के शुरू में, कि जो LLB and BLLB का कोर्स जो पहला बैच है जिसका बहुत दिन से डिमांड्स कर रहे थे, तो उसका बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 11 दिसंबर से क्लास जो उसकी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप करता हूं कि आप इसको ज्वाइन करेंगे और आएंगे फैकल्टी में, आपको हम बताएंगे कि सर हम आपके स्टूडेंट्स हो, तो मुझे बहुत खुशी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पिछले 2 साल से मेरा एफर्ट काफी अच्छा रहा है और हमारे बताए गए रास्ते पर बच्चे ने काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट हुए, बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट होकर इस फैकल्टी में आए हैं, वो हमसे मिलते हैं सर, बोलते हैं कि सर आपकी वजह से जो है मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस बात से मुझे प्रेरणा भी मिलती है जीवन में इस तरह से कि लोगों को सोशल सर्विस करने की। तो जो लॉ के रिलेटेड में जितना आपको पढ़ने की जरूरत की चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा जैसे आप मैथ्स है, रीजनिंग्स है, GS है, इसके अलावा आपको करंट अफेयर है, तो वो उसके लिए अलग से वीडियोस आपको बनाया जाएगा, उसमें आपको अलग से जो हमारे मेंटर है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं लॉ मेंटर हूँ, मैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैंने लॉ के बारे में आपको बता दिया। तो आई होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप जरूर से जरूर हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्लासेस 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।